सरकार नमस्कार आई होप सप्लाई समझ में आ रहा आपको, GST क्यों है आपको जीएसटी क्यू आया कैसे आया शायद चीजें समझ में आ गई सर हम पढ़ रहे थे क्या सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन हमने पूरा पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी और सी अब हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन ए बोलता है सर जो भी ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑलरेडी है एज पर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन उनमें अगर डिस्प्यूट है उनमें अगर झगड़े है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ऐसे केस में उन ट्रांजेक्शन को जहां जहां झगड़े थे सेवन पेरास डि शेड्यूल नंबर टू ने जहां पर डिफाइन किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल नंबर टू क्लियर यहां तक हमने कल पढ़ा था तो सर कंटिन्यू कर रहे हैं हम सरकार शेड्यूल नंबर टू ओके सर शेड्यूल नंबर टू में ध्यान दीजिएगा बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन उसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या है सप्लाई है ऑलरेडी इस पर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन तो ही हम बात कर रहे हैं शेड्यूल नंबर टू की तो ही वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल टू का पार्ट बनेगा ओके सर सर शेड्यूल नंबर टू में सेवन पर फर्स्ट इज रिगार्डिंग गुड्स सर कोई गुड्स मैंने आपको बेच दिया ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स आप बताइए क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब आपको केवल आंसर देना कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बस सप्लाई है कि नहीं है ये ऑलरेडी शेड्यूल नंबर ये ऑलरेडी सेक्शन नंबर सेवन सबसे डिफाइन कर दिया ओके okay, सर पेरा नंबर वन में गुड्स के लिए तीन बातें लिखी फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स ओके सेकेंड सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल मैं पहले वैसे ये क्लोज नंबर सी पर पहले बोल रहा हूं मैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स वेयर ऑनरशिप इन दी गुड्स मतलब टाइटल इन द गुड्स शेल शेल ट्रांसफर अप ऑन फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट मतलब अगर आपने अगर आपने किसी गुड्स को हायर पे परचेजेज किया है जहां पर सर क्या होने वाला है गुड्स की ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी बट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट तो ऐसे केस में जब आप इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट पे करें तो उसको क्या मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे तो सर यहां डिपार्टमेंट ने क्लियर लिखे दिया है कि सिंस यहां पे ऑनरशिप शैल पास अपन ऑन ऑफ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा हर इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हो रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आता जाएगा साहब क्लियर सर जैसे एग्जांपल हो गया हायर परचेज ओके सर अब इसका जो सेकंड पॉइंट था जो मैं थर्ड पॉइंट में पढ़ा रहा हूं आपको सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन ए पढ़ रहे शेड्यूल नंबर टू पेरा नंबर वन उसका सेकंड पॉइंट सर किसी भी गुड्स का राइट इन यूज ट्रांसफर किया अनडिवाइडेड शेयर इन एनी ऑफ द गुड्स आपने ट्रांसफर किए तो सर ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस है ध्यान बेटा हम पैरा नंबर फाइव भी आगे पढ़ने वाले हैं तो सर पेरा नंबर फाइव में भी एक पॉइंट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन एनी गुड्स इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों साथ में बोल देता हूं मैं आपको राइट इन यूज ट्रांसफर किया या राइट टू यूज ट्रांसफर किया दोनों क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस होगा सर अब इसमें ना कहानी थी किसकी फाइनेंस लीज की और ऑपरेटिंग लीज की जहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल और पोज्यूशन गुड्स का ट्रांसफर होता था उसको पहले उसको अभी फाइनेंस लीज बोलते और फाइनेंस लीज केस में भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा पहले जो वेट लो हुआ करते थे सर्विस टैक्स हुआ करता था तब बहुत झगड़े थे सर वहां पे क्या होता था फाइनेंस लीज के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हुए वेट लगाएंगे और ऑपरेटिंग लीज के केस में सर्विस टैक्स लगाएंगे सर्विसेज मानते हुए अभी सर झगड़ा खत्म बिल्कुल कर दिया और बोल दिया सर राइट इन यूज ट्रांसफर करो या राइट टू यूज ट्रांसफर करो इफेक्टिव कंट्रोल पोजिशन ट्रांसफर करो अब आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं इसके लिए क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है बेस्ट एग्जाम्पल इज फाइनेंस लीज फाइनेंस लीज के अंदर क्या हो रहा है सर सर आप लीज पे कोई गुड्स लेते हो और आफ्टर द द एंड ऑफ लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन कि सर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके उस गुड्स का ओनरशिप आप ले सकते हो तो हर मंथ जो आप फाइनेंस लीज का अमाउंट पे करे हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है पर हाँ एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर आपको वो गुड्स परचेज करना है तो एक सर्टन अमाउंट आप गुड्स का ओनरशिप ले सकते हो तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करके ओनरशिप ले रहे हो वो अमाउंट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स अदरवाइज सारी इंस्टॉलमेंट क्या होगी सप्लाई ऑफ सर्विस होगी ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो क्लियर सरकार कोई भी गुड्स को रेंट पे दिया है लीज पे दिया है लाइसेंस पे दिया है सब कुछ क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया शेड्यूल नंबर टू ने ओके सर नंबर टू पे लैंड और बिल्डिंग सर लैंड एंड बिल्डिंग आपने लीज पे दिया है रेंट पे दिया है लाइसेंस पे दिया है हायर पे दिया है सर आपने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है राइट टू ऑक्यूपाई दिया है किसी भी लीगल लैंग्वेज में कोई भी नाम से बोल दीजिए हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है लैंड हो या बिल्डिंग हो सप्लाई ऑफ सर्विस अच्छा देना इसके लिए एक सर्कुलर था प्रीमियम सर क्या होता है मान लो कोई ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर, कर, रखा हुआ उसने जिसके लिए रेंट पे करता है वो ओनर को अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ आफ्टर सर्टेन पीरियड जब वो प्रॉपर्टी वैकेट कर रहा है तो उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो बोलता है ओनर से कि साहब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने क्रिएट किया है इतने टाइम तक मैंने यहाँ पे अपना शोरूम लगाया इस शोरूम की वजह से हमारा गुडविल इतना है कि यहां पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए वो जो जो चार्ज चार्ज करता है है उसको बोलते हैं टेनेंसी 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 प्रीमियम 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 अब सर उसने किया टेनेंट इज इज चार्जिंग सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर लगेगा जीएसटी सप्लाई के स्कोप में आता है सर्कुलर दिया डिपार्टमेंट ने अच्छा हाँ ध्यान देना बेटा अगर इनकमिंग टेनेंट से इनकमिंग टेनेंट से ऑनर अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज करता है टेनेंसी प्रीमियम या कोई भी नाम तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है जीएसटी लगेगा पर अगर रेजिडेंशियल डुवेलिंग यूज फॉर रेजिडेंस दिया है किसी टेनेंट को एनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेजिडेंस अगर दिया तो उससे रेंट लो या टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करो उस पर जीएसटी एक्सम रहेगा आगे मेगा लिस्ट में इसके लिए एक्समेशन दिया हुआ है क्लियर डन पर अगर आउटगोइंग टेनेंट टेनेट ऑनर से प्रॉपर्टी खाली करने के लिए टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करो तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी क्लियर ये हो गया आपका रेंटिंग ऑफ एम्यूल के रिगार्डिंग पॉइंट जिसको आप भले हायरिंग बोल दो आप भले लीज बोल दो सर किसी भी नाम से बोल दो सर अगर आपने लैंड और बिल्डिंग सर किसी को टेम्परिरी ट्रांसफर करिए तो सर ऐसे केस में क्या होगा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा हाँ सेल ऑफ प्रॉपर्टी वो बात करेंगे बाद में हम बात करेंगे किसकी रेंटिंग लीजिंग लाइसेंसिंग एक्सेट्रा की बात करिए हमने सर आइए सर पेर नंबर थ्री सर ट्रीटमेंट ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू एनीबडी एल्स जैसे जॉब वर्क किया रिपेयरिंग किया इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर ये पेरन नंबर थ्री था पेर नंबर फोर इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट तीन पॉइंट के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा पेरान नंबर फोर में फर्स्ट उसके बिजनेस को बेच दिया, कर दिया, कर दिया क्या है, है. हाँ है बचाओ अच्छा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा वो सेक्शन नंबर सेवन सबसे क्लियर यह सप्लाई ऑफ गुड्स है हम ये बता रहे सर ओके सेकेंड क्लोज नंबर बीस का अगर आपने अपने बिजनेस के एसेट्स को किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दे दिया फॉर दियर पर्सनल और प्राइवेट यूज अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज या मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर को आपने कंपनी के एसेट्स दे दिए फॉर हिज पर्सनल यूज पर्सनल पर्पज प्राइवेट यूज के लिए अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज कैसे में हो सिंस वो टेम्पररी दिया आपने यूज करने के लिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा सर क्लियर सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा क्योंकि आपने टेंप्रेरी दिया यूज करने के लिए किसी भी बिजनेस के केसेट को ओके थर्ड सर बिजनेस के एसेट है बेटा आपने ध्यान देना बेटा इफ एनी टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन मतलब अगर किसी पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया करा करा दिया, करा दिया, दिया सरेंडर तो सर ये ये बोल दिया, जितने भी उसके बिजनेस वो वो माने जाएगा उसने खुद नहीं, खुद को सप्लाई सप्लाई कर है, ऑफ गुड्स पर ध्यान रखना बेटा अगर हम इंटरप्रेशन की बात करें क्योंकि उसने केवल क्यों अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है या हुआ उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया अब अल्टीमेटली ही सीजेस टू बी टैक्सेबल टैक्सेबल पर्सन पर्सन वो taxable person नहीं रहा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जितने भी बिजनेस असेट है ये मान लिया वो सप्लाई ऑफ गुड्स है एक तरह से वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में ध्यान रखिएगा बेटा शेड्यूल नंबर वन पेरा नंबर वन बोलता है कि उन्हीं असेट को सप्लाई के स्कोप में कवर किया जाएगा जहां पर

सर आपके लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं या आपने बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस तो सरकार को कोई नुकसान नहीं क्योंकि सरकार के केस में सर अगर मैंने अपना बिजनेस एज गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर किया और वो कंटिन्यू करा एज ए टैक्स पर्सन तो सर मेरी जगह टैक्स वो पे करेंगे कोई सरकार को नुकसान नहीं है ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स मानने की जरूरत नहीं है ये था आपका पैरा नंबर फोर क्लोज नंबर सी पैरा नंबर फाइव ध्यान दीजिए ऑफ सर्विसेज जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तब छ ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर सर्विस में डिक्लेयर किया था ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस है और हाँ भले उस प्रॉपर्टी का आपने इफेक्टिव कंट्रोल या पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन का मतलब होता है मान लो आपने कोई ऑफिस की बिल्डिंग पूरी रेंट पे दे दी तो इफेक्टिव कंट्रोल पोजिशन आपने ट्रांसफर कर दिया अब मान लो सर आपने एक एक बहुत बड़ा मॉल है शॉपिंग मॉल है आपका मान लो उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह पर आपने डिस्प्ले लगाने के लिए या होता ना आपने देखा होगा आप कई भी कई बार मॉल में जाएंगे तो टेम्प्रेरी डिस्प्ले लगे होते हैं टेम्प्ररी प्रमोशनल एक्टिविटी चली होती है तो वहां पर उस एरिया का रेंट लिया होता है ऑनर ने तो ऐसे कैसे वो क्या है इफेक्टिव कंट्रोल पोजिशन ट्रांसफर नहीं किया वहां पे कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है क्लियर पर फिर भी वो रेंटिंग है रेंटिंग ऑफ एमूल क्या लगेगा लगेगा दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ओके सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरा नंबर फाइव क्लॉज में नंबर फाइव क्लोज में भी बोलता है दिल थाम के कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और एनी पार्ट देर ऑफ कोमा मैं दो बार समझाऊंगा आपको समझिएगा पहले मैं बोलता हूं पहले मैं पूरा बोल रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ कोमा इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली भली पूरा बेचा हो या पार्टली बेचा हो except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier और जहां तक पहुंचा तब तक आप out हो गए सर पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो मैंने कहा ना मैं केवल एक बार बोलूंगा फिर आपको समझाऊंगा okay तो बच्चों मैंने क्या पढ़ा है आपको यह लिखता हूं समझाता हूं मैं पहले आपको अच्छा पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी की हम बात कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 2 सप्लाई ऑफ सर्विस है पेरा नंबर फाइव में जितने भी ट्रांजेक्शन छह के छह ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है ओके सर मैं आपको दो पार्ट में इसको पढ़ता हूं सरकार सबसे पहले बात आपने अगर देखा हो आपने अगर देखा हो तो मैंने एक जगह बोला है सर देर ऑफ के बाद जानबूझ के कोमा आता है वो कोमा मैंने जानबूझ के बोला है मैं तुम्हें उसका इंपोर्टेंट समझाता हूं बेटा शॉर्टकट में देखिए एक और सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं फिर मैं आपसे और बात ओके। सर समझिएगा बात को ध्यान से बड़ा अच्छे पॉइंट है सर ये इनको समझा तो मजा आएगा जिंदगी में मान लो कोई सेंटेंस लिखा है सर चलो मैं पहले यहां पे नंबरिंग थ्री एंड फोर कर देता हूं ठीक है आपसे आपने कई सारे सेंटेंस पढ़े होंगे कई सारी बुक्स आपने पढ़ी होगी सर बुक्स का नाम लोहिमत सी तो आके जिंदगी हमारी सर एकदम आप क्या बोली मैं आपको ओके okay, सर इतनी बुक्स पढ़ ली हमने और भी पढ़ने बाकी है भी तो सर इतने सारे सेंटेंस पढ़ेंगे इतनी सारी बुक्स पढ़ी होगी जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं जब हम एंड की बात करते हैं तो क्या जब सेंटेंस पढ़ते तो एंड से पहले कोमा आता है कि नहीं आता है इस पर ग्रामर इस पर ग्रामर एंड से पहले कोमा नहीं आता है दिस वन इज करेक्ट दिस वन इज नॉट करेक्ट एज पर दी ग्रामर। सुनिएगा ध्यान बच्चो। से बच्चों, इस पर ग्रामर एंड से पहले कोमा नहीं आता है पर पर वाइल्ड रीडिंग द बैर एक्ट दिल तो हमें आपको कैसे लोग पढ़ते हैं कैसे बुक्स को पढ़ते बेटा कानून में कैसे एक कोमा से इंटरप्रिटेशन चेंज होता है वो समझेगा बात को सर एज पर ग्रामर अगर हम बात करें तो एंड से पहले कोमा नहीं आता है बट वाइल्ड रीडिंग द बैर एक्ट वाइल्ड रीडिंग द बैर एक्ट ऑफ सम लॉज सम लेजिस्लेश आई फाउंड दैट At some places in the same act, end se hai, but at the same time, at some places in the bare act there is a coma before end. In the same sentence. Does it mean ki lawmakers? Ho no. Can we say that law maker law maker? Typing a no boss, every word, every sentence, every phrase, every mark has got its own sense, it's not nonsense. गोल्डन रूल अंडर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपने सुना होगा एवरी वर्ड एवरी फ्रेज एवरी सेंटेंस एवरी मार्क हैज गॉट इट्स ऑन सेंस इट्स नॉट नॉन सेंस एंड इट बी रेड फॉर पर्पस इट इज रिटर्न सर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लिखा है कि सर हर मार्क का एक मीनिंग है ओके सर यहां तक मैं आपकी बात मान लेता हूं अब सर चलो ये बात मान लिया कि ये कोमा जो लगा वो गलती से नहीं लगा है देर इज अब समय क्या सेंस है <laughs> अच्छा उससे पहले ये इंक्लूडिंग भी बताता हूं इस पर ग्रामर इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता पर सर वाइल रीडिंग द बैर एक्ट आई फाउंड दैट एट सम प्लेसेस इन द एक्ट इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं है और कुछ प्लेस पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है तो सर ये इंटेंशनली रखा हुआ है कुछ तो मीनिंग है इसका वो मीनिंग क्या है वो बात हम कर रहे हैं सरकार मीनिंग ये इसका कि इट मींस अगर कोमा लगा है इट मीन्स एक छोटा ब्रेक आ गया पूरा ब्रेक नहीं आया फुल स्टॉप नहीं है सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है पूरी भावना ही खत्म नहीं हुई है हां एक ब्रेक लग गया है इस कोमा की वजह से क्योंकि जब हम बैरक पढ़ते हैं तब अगर सेम एक्ट में कुछ जगह पर एंड अगर इस तरह से लिखा है और कुछ जगह एंड से पहले कोमा है इट मीन इंटेंसली कुछ तो इंटेंसली कुछ तो फर्क हुआ है साहब इंटेंसली कुछ तो फर्क आया है साहब अब वो कुछ तो फर्क क्या आया है सर वो हम बात कर रहे हैं अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि किस कोमा से कुछ तो मीनिंग है कोमा का यहां तक तो हमने बात कर ली अब वो कुछ मीनिंग क्या है दिल थाम के सुनेगा बेटा बहुत ही काम की बात है शायद ये वाली बातें हम कई बार नहीं पढ़ते हैं हमें ध्यान ही नहीं होता सर तो हमारी ड्यूटी बनती है आपको सिखाना कि सर ये होता है क्या है सुनिएगा सरकार ये कोमा लगने की वजह से क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा ब्रेक लग गया बीच में ब्रेक लगने का मतलब ये हो गया कि अगर अगर कोई कंडीशन यहां सेकंड पार्ट में लिखी हुई है अगर कोई कंडीशन यहां सेकेंड पार्ट में लिखी हुई है तो वो कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी सर अगर यहाँ पे कोमा से पहले यहाँ पे एंड से पहले कोमा नहीं होता और यहाँ पे कोई कंडीशन होती तो वो कंडीशन एक तरह से इसको पार्ट वन मान लीजिए इसको पार्ट टू मान लीजिए दोनों पे अप्लाई होती पर अगर सर कोमा इंक्लूडिंग से पहले लग गया या एंड से पहले कोमा लग गया इट मीन एक बीच में ब्रेक आ गया ब्रीच में ब्रेक आने की वजह से नो डाउट सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है पर यहाँ पे कोई अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई है कुछ कंडीशन लगाई है तो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी और अगर कोमा नहीं होता तो कंडीशन रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होती और यहाँ पे भी अप्लाई होती सर अब मैं इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको बेटा मुझे पता है ये जो मैंने बोला आपको आपने सुन लिया पर सर आप बोल रहे हो सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो बस जिंदगी चल रही है हम वक्त काट रहे हैं और सर आई से ही मजा ले रहा है तो सरकार मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग विद एग्जाम्पल बताता हूँ सरकार पेरा नंबर फाइव क्लोज नंबर बी जो हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल नंबर टू पेरा नंबर फाइव क्लॉज में बीजे हम पढ़ रहे वापस सुने का बेटा मैंने बात किया क्या बोला है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ कोमा इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग मतलब वहां इंक्लूडिंग से पहले क्या है कोमा है इंटेंशनली लगाया भाई टाइपिंग एरर नहीं है और बहुत सारे लोगों को तो वो कोमा दिखाई नहीं होगा पढ़ते वक्त तो हम ध्यान ही नहीं देते सर सर पर सार, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की ओके सरकार तो सर अब यहां इसका मीनिंग क्या है अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ विद्जाम्पल ऑफ पेरा नंबर बी ओके तो पेरा फाइव बी पढ़ाते वक्त पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगा समझेगा मेरी बात को ध्यान से मतलब उस कोमा का मीनिंग आपको समझ में आ गया अब मैं आपको कहता हूँ एक काम करो उस नंबर क्लोज में बी नो डाउट ए की पॉइंट पर उसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं एक कोमा के बाद तो कोमा से पहले वाला पार्ट में आपको समझा देता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ ये पार्ट वन हो गया है आप चाहे तो आपकी बुक के अंदर ये मार्किंग भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग से पहले जो है वो क्या है पार्ट वन है और इंक्लूडिंग से लेके विच एवर इज अर्लियर तक पार्ट टू है मतलब जहां एंड हो रहा है वहां पर पार्ट टू है वहां तक सेंटेंस ये ही है पर बीच में एक ब्रेक आ गया है कोमा की वजह से इंक्लूडिंग से पहले जो कोमा है उसकी वजह से ओके okay, अब सर पॉइंट क्या कहता है सरकार मैं पार्ट वन पढ़ा रहा हूं आपको अब ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मैटर क्या है वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा पहले पॉइंट समझ लीजिए इंडिविजुअली दोनों मैंने कोमा से पहले वाले को पार्ट वन मान लिया कोमा के बाद वाले को पार्ट टू मान लिया पहले पार्ट वन पढ़ा रहा हूं फिर पार्ट टू पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कोमा से क्या फर्क आया है ओके okay, सर अभी कोमा छोड़िए मेरा पॉइंट आपसे ये पार्ट वन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई कॉम्प्लेक्स बनाया सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया मान लो आप मिस्टर मोहित मोहित के लिए मैंने कोई बिल्डिंग बनाई मोहित टावर्स सर क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस कोई डाउट इसमें नहीं कोई कॉम्प्लेक्स बनाया कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाया सर या उसका कोई पार्ट बनाया रोड बनाई मैंने आपके लिए बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस कोई डाउट मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई दस लाख रुपए ले लिए सप्लाई ऑफ सर्विस दैट्स इट ये पार्ट वन खत्म पार्ट टू थाम के दिल थाम के सर मेरा पॉइंट आपसे यह कि मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई सर उसके लिए पैसा लिया दस लाख रुपए सप्लाई ऑफ सर्विस है पर सर केस नंबर टू मैंने अपने लिए कोई बिल्डिंग बनाई मंगल टावर्स मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई नाम क्या है मंगल टावर्स अब सर आप मुझे बताओ क्या मैंने खुद ने खुद को सर्विस दी है आंसर इज नो पर दिल थाम के सुनेगा बेटा अरे भाई मैं आपको इंडर टैक्स पढ़ा रहा हूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है मैंने खुद ने खुद को इंडर टैक्स पढ़ाया खुद नहीं अमेंडमेंट समझे तो क्या हाँ प्रोविजन बहुत शानदार है यस लगाओ सौ रुपए जीएसटी ऐसा खुद ने खुद को प्रोविजन पढ़ाया खुद ने खुद को जीएसटी पढ़ाया क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या नो ना सर पॉइंट मेरा आपसे ये मैंने खुद ने अपने लिए बिल्डिंग बनाई मंगल टावर्स क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है नहीं पर आगे सुनेगा जल्दी मत करिएगा बेटा मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है नाम है क्या मंगल टावर्स सो फ्लोर की बिल्डिंग है माहौल हर फ्लोर पे एक फ्लैट या एक ऑफिस समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए सो फ्लोर की एक बिल्डिंग है साहब हंड्रेड फ्लोर कैन यू इमेजिन जस्ट इमेजिन सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर मैंने सो फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई है हंड्रेड फ्लोर की एक बिल्डिंग है सर सो फ्लैट है उसके अंदर पर सर अब उस फ्लैट का मैं क्या करूंगा सर कृष्ण भगवान तो अपन है नहीं बेटा <laughs> अब सर सौ फ्लैट का मैं खुद क्या करूंगा सर मैं क्या कर रहा हूं इनको बेच दूंगा मैंने बेचने के लिए बनाई है अब सर आपने देखा होगा बिल्डर्स के केस में सर वो जब बिल्डिंग बनाता है कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें बुकिंग चालू कर लेते हैं ये लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही सर प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ गवर्नमेंट से और इन्होंने क्या कर दिया बुकिंग लेना चालू कर देते हैं ये लोग अब सर ऐसे केस में क्या होता है सीनियरी को समझेगा मजा आएगा जिंदगी में ये ले लेते हैं मान लो सो फ्लोर की एक बिल्डिंग है ये सो फ्लैट लिख दीजिए भी आप अच्छा मैं फ्लैट लिख रहा हूं आप चाहे तो ऑफिसेज भी लिख सकते हैं कमर्शियल ऑफिस हंड्रेड फ्लैट ओके एक सेकेंड सर मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें कितने फ्लैट्स है हंड्रेड फ्लैट्स है हंड्रेड फ्लैट्स में से सेवेंटी ने भाई सत्तर फ्लैट बुक हो गए बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही होता ना सर अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग चालू कर दी और उसमें सत्तर फ्लैट बुक भी हो गए बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग और थर्टी फ्लैट्स नॉट बुकड अच्छा सर बुकिंग कब तक होगी बेटा बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है कब मानेंगे तो जीएसटी के अंदर लिखा हुआ है बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई है कब मानेंगे साहब जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको जैसे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बोलते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते उस बिल्डिंग का उस दिन मान लेंगे कि बिल्डिंग क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट तो सर सेवेंटी फ्लैट बुक्ड फोर रैंट ऑफ कंप्लीस सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हा है ना बच्चों और सर अच्छा एक बात और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है बात करेंगे दो मिनट बाद ठीक है अभी पहले इस फ्लोर में चलिए आप ओके थर्टी फ्लैट बुक नहीं हुए मतलब सर अच्छा एक बात और सेवेंटी फ्लैट बुक हुए हैं फोर ग्रांड ऑफ कॉम्पिलेशन सर्टिफिकेट बाई दिन बुक करूंगा तो कैसे करूंगा फोन पे कर दूंगा कि आपका फोन है सर फ्लैट नंबर एक सौ इक्कीस बुक कर देना कैसे बुक करेंगे अरे फोन पे तो हम क्लास की सीट बुक नहीं करते भाई फ्लैट तो बहुत धुर की बात है तो सर हमने डेफिनेटली क्या किया होगा कुछ कंसिडरेशन लिया होगा सर अब मान लो हंड्रेड फ्लैट से हंड्रेड फ्लैट की वैल्यू रुपीज वन करोड़ ईच है मान लो सर वैसे मुझे पता है फ्लोर वाइज लोकेशन वाइज वैल्यू uh, अलग अलग होती है पर मान लो भी एग्जाम्पल के लिए और हमने हमारी पॉलिसी है आप हमें रुपीज वन लेख दीजिए फॉर इच फ्लैट और सर बुकिंग कराइए तो हमने एक काम करता है पूरा एक ढंग से वापस ले लेता हूं सेवेंटी फ्लैट्स के लिए रूपी वन लैख रुपीज वन लैख each received is consideration before grant of completion certificate by competent authority क्लियर मेरे को सब सितर लाख रुपए सेवेंटी के लिए सर एक एक लाख रुपए मेरे को मिल गया है बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीस सर्टिफिकेट अच्छा हमारी पॉलिसी क्या एक लाख रुपए दो बुकिंग कराओ बाकी पैसा जिस दिन हम आपको पोजीशन देंगे फ्लैट का पूरी बिल्डिंग रेडी उस दिन बाकी पैसा देना पैसों की जरूरत नहीं है सर और इधर नो कंसिडरेशन रिसीव टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्लियर तो सरकार अब मैं आपको अगले मोड अगले स्टेप ले जाता हूं हमको सितर फ्लैट के लिए पैसा रिसीव हो गया अब आप मुझे बताओ सर जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आलिया भट्ट ने एक बुक कराया कैटरीना केफ ने एक बुक कराया साहब जैकलिन ने हा मन में लड्डू फूट गए कैटरीना कैफ का नाम लेता सही में फूट गए बेटा सर ओ भाई विकी कौशल पॉइंट मेरा आपसे ये है कि एक फ्लैट मैंने बुक किया आलिया के के जैकलिन के लिए एक माधुरी दीक्षित आप जब आप, बिल्डिंग देखने आएंगे फ्लैट नंबर बीस बुक किया आलिया भट्ट के लिए फ्लैट नंबर फोर आलिया भट्ट के लिए फ्लैट नंबर एट बुक किया कैटरीना कैफ के लिए और फ्लैट नंबर वन बुक किया जैकलिन के लिए ताकि बिल्डिंग में आए और जो भी उसको आते मजा आ जाए सर मेरा पॉइंट आपसे ये है जब आप बिल्डिंग में फ्लैट देखने आएंगे मैं क्या बोलूंगा देखो ये फ्लैट में आलिया भट्ट के लिए बना रहा हूं ये फ्लैट में कैटरीना कैफ के लिए बना रहा हूं ये फ्लैट में जैकलिन के लिए बना रहा हूं हाँ है ना तो सर ध्यान देना बेटा ध्यान देना बेटा जब भी आप मेरे यहां पर बिल्डिंग देखने आएंगे मैंने क्या कहा यह फ्लैट में उनके लिए बना रहा हूं यस या नो इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू आलिया भर्ट कैटना केफ जैकलिन एटसेट्रा इसलिए गवर्नमेंट ने इसको फाइव क्लोज बी में लिख के बोल दिया कि यस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है अरे क्या है मालिक सप्लाई ऑफ सर्विस है इस पर फाइव क्लोज बी के लिख रहा हूं पार्ट टू ऑफ पार्ट yes no? मतलब उसकी लैंग्वेज को मैं बाद समझा दूंगा। यहां तक समझ में आपको बेटा क्योंकि मैं उनके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं अच्छा मैं आपको एक और नॉलेज के लिए बता रहा हूं जब भी आप फ्लैट या कुछ भी चीज बुक करेंगे इस तरह से रेजिडेंशियल या कमर्शियल कुछ भी तो जब आप बुकिंग कराते हो जब आप बुकिंग कराते हो तब सर सेल एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट फॉर सेल होता है आपने सेल किया नहीं है और जिस दिन सेल हो जाता है उस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होती है सेल रजिस्ट्री होती है सुना होगा रजिस्ट्री होती फ्लैट की और सर ध्यान देना जब तक मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया है तब तक उस बिल्डिंग का मालिक कौन मंगल बना कौन रहा मंगल अब सर सुनिएगा बात के ध्यान से मैंने एग्री किया है आलिया को कि हाँ मैं फ्लैट बेचूंगा बेचा नहीं है हां आलिया हाँ, हाँ फ्लैट नंबर 420 सो मैं आपके लिए बना के आपको बेचूंगा बेचा नहीं मैंने एग्री किया है उसको और जब तक मैं सेल नहीं करूंगा जब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो बिल्डिंग का मालिक कौन मंगल फ्लैट नंबर 420 का मालिक कौन मंगल सर तो लीगली देखा जाए तो सर फ्लैट बना कौन रहा मंगल किसके लिए बना रहा है नो डाउट आलिया के लिए पर ऑन परिगोर्ट लीगली जब तक मैंने फ्लैट उसको बेचा नहीं तब तक तो बिल्डिंग का मालिक मैं ही हूं और मैं एक तरह से खुद ही खुद के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं इंक्लूडिंग फ्लैट नंबर चार सो जीएसटी नहीं लगता यह आर्ग्यूमेंट था सर दो हजार दस तक सर्विस टैक्स केस में भी सेम मैटर हुआ करता था दो हजार दस तक बिल्डर्स ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि सर हमने तो सेल डी एग्जीक्यूट किया ही नहीं सेल एग्रीमेंट किया है जब तक सेल नहीं किया सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं तब तक बिल्डिंग बना भी हम रहे मालिक भी हमें हम खुद खुद के लिए बना रहे तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और पर सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और बाद में अमेंडमेंट किया एक्ट के अंदर बोल दिया दिमाग खराब मत कर मंगल एक्ट में लिखना पड़ा इस सर्विस को अलग से और बोला अगर आपने एक रुपया भी इवन इफ सिंगल रुपी टेकन बिफोर द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आप किसी और के लिए बना रहे हो वो पर्टिकुलर यूनिट और जो पर्टिकुलर यूनिट आप किसी और के लिए बना रहा हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और उसी को कंटिन्यू करते हुए शेड्यूल टू पे नंबर फाइव के अंदर ये पॉइंट लिखा गया कि यस अगर आपने कुछ भी कंसिडरेशन एक रुपया भी अगर पहले ले लिया है तो यस yes, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और ऐसे केस में उसको जीएसटी के स्कोप में कवर करते हुए जीएसटी लगाया जाएगा दैट्स दैट्स सर इट विल बी अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड यस जीएसटी विल बी लेविड ऑन सेवेंटी फ्लैट दिल थाम के देखिएगा बेटा ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया इसलिए जीएसटी विल बी दिल थाम के लेविड ऑन रुपीज सेवेंटी जीएसटी विल बी लेविड ऑन रूपीज सेवेंटी क्रोड्स हाँ जी सेवेंटी लेकिन नहीं बोला जान के सेवेंटी क्रोड्स सर मैंने बोला जीएसटी लेवी होगा सेवेंटी करोड पर विच विल बी पेबल टू गवर्नमेंट एज पर सेक्शन थर्टीन सबसेक्शन टू ऑफ सी जी एस टी एक्ट मतलब टाइम ऑफ सप्लाई सर टाइम ऑफ सप्लाई जब हम पढ़ेंगे तब तो तुम्हें बताऊंगा कि सर इस तरह के कंस्ट्रक्शन के अंदर जब बुकिंग होती है तब जैसे जैसे पैसा आता है अरे परसेंटेज कंप्लीशन पे होता है ना पेमेंट टर्म्स तो जब जब पैसा आएगा तब तक आपको उतना अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा ऐसा बिल्डर के लिए बोला हुआ है ऐसा ठीक है और बात करेंगे बाद में पर हाँ मैंने बोला है सितर करोड़ पे टैक्स लगेगा सॉरी सितर करोड़ पे टैक्स लगेगा आज क्या पे नहीं करना आज के आज पे तो सितर लाख पे करना पड़ेगा हा है ना बच्चो क्लियर अब नाइनटी नाइन कब कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद भी तो उन पे भी जीएसटी लगेगा क्योंकि पैसा भले ही बाद में आया है पर फ्लैट तो बुक हो गया था ना भाई एक लाख रुपया दो या एक रुपया दो या पूरा एक करोड़ दो सर फ्लैट तो मैं पूरा बना रहा हूं किसके लिए आलिया भट्ट के लिए ऐसा तो नहीं ना कि एक लाख में बालकनी बना रहा हूं सर वन लेख रुपी जो लिया है वो पूरे फ्लैट के लिए लिया है और पूरा फ्लैट मैं उनके लिए बना रहा हूं तो पूरा फ्लैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस और पूरे फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा हाँ आज जितना रिसीव हुआ उस पर जीएसटी लगेगा बाकी जब आएगा तब टैक्स लगेगा पर लगेगा पूरे सत्तर करोड़ रूपये क्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई पड़ता है और बात समझ में आ जाएगी आपको पर यहां तक बात समझ में आई आपको मेरी है माहौल सरकार ये हो गया सेवनटी फ्लैट के लिए बात अब बात करूंगा किसके लिए रिमेनिंग थर्टी फ्लैट के लिए सिंस नो कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कम्पेशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी दैट्स वाई इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हा बट इफ दीज आर सोल्ड सब अच्छा मेरा पॉइंट क्या बेटा ये थर्टी फ्लैट अब तक बुक नहीं हुई कोई बात नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब अब वो फ्लैट सेल किए बेटा हो सकता ना पॉसिबल तो है होता ही है सर क्टली देन इट इज सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी और भाई जीएसटी के अंदर सेल ऑफ इमोअल प्रॉपर्टी मर्ज नहीं हुआ है और सर ध्यान देना इमुअल प्रॉपर्टी का सेल करना इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स Of goods nor of इस पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होता है मतलब थर्टी फ्लेट जब बाद में सेल होंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि दैटर सेल ऑफ एमोबल प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ एम पे कोई जीएसटी नहीं, नहीं लगता भाई ये गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स के अंदर कवर नहीं होता आप मेरी बात 30, सर सेवेंटी फ्लैट पे जीएसटी अच्छा, तो हो गए तो वेट कर लो कंप्लीस कर कर तो का फ्लैट मिलेगा ही नहीं सर आपको और बिल्डर भी कभी नहीं चाहेगा कि उसको पैसा बाद में मिले क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए फंड्स ब्लॉक क्यों करे मान लो बाद में सेल नहीं हो तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा सर इसलिए सर कोई लोड नहीं है प्रैक्टिकली सेवेंटी जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर डन अच्छा तो सर पॉइंट अब मेरा आपसे अगला ही आता है कि बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब वो ट्रिगर पॉइंट वो ट्रिगर पॉइंट जिससे पहले अगर फ्लैट सेल हुए तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा और उसके बाद अगर सेल हुआ फ्लैट तो सेल ऑफ इम प्रॉपर्टी कहलाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा वो ट्रिगर पॉइंट क्या है सर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है बात कर लेते हैं हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिफाइन किया है सर इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसपल लॉ आपके जो लोकल या म्युनिसपल लॉज होते हैं उसमें डिफाइन किया होता है जैसे मुंबई में बीएमसी वहां डिफाइन किया होता है कि अगर एज पर योर लोकल या म्यूनसिपल लॉ इफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही ट अथॉरिटी कहलाएगी कोई और अथॉरिटी कभी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होगी पर अगर आपके लोकल या म्यूनिपिपलो में ऐसा किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कम्पिटेशन सर्टिफिकेट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे केस में इन तीनों में से कोई भी एक का सर्टिफिकेट चल जाएगा सर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कौन कौन रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट सेकेंड चार्टर्ड इंजीनियर अंडर चार्टर्ड इंजीनियर्स एक्ट लोकल सर्वे ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन तीनों में से किसी का भी सर्टिफिकेट आओगे तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर लोकल लोज तो क्लियर ये हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब सरकार जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएमसी मुंबई महाराष्ट्र में लिखा है बीएमसी से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा तब जाके माना जाएगा बिल्डिंग कंप्लीट है और उससे पहले जो फ्लैट बुक होगी उस पर जीएसटी लगेगा उसके बाद वालों पे जीएसटी नहीं लगेगा अब सर बीएमसी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दी बिल्डर्स क्योंकि बिल्डर भी कम नहीं है साहब इस पर लोज बिल्डिंग बनाते तो चाहिए क्या उनको तो सर अब ऐसे केस में मान लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे है पैसा पैसा करती है वो अब सर पॉइंट मेरा आपसे ये आता है कि इफ दे आर नॉट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो ऐसे केस में क्या होगा बिल्डिंग पूरी कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट अब उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ अब मान लो फ्लैट आपने बेचा तो वो भी सर्विसेज के स्कोप में आएगा क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना इज द ट्रिगर पॉइंट वो नहीं आया तब तक सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता जाएगा एवरी सेल ऑफ फ्लैट फ्लैट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो मॉल हो कुछ भी हो सब शॉपिंग मॉल हो कुछ भी हो क्लियर अब सर ऐसे केस में बिल्डर तो बेचारा मर जाएगा ना यार इसलिए फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तब से यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा सर सुनने के ध्यान से बात क्या लिखी पे यहां पे लिखा है क्या सर बिफोर ग्रांड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर लिखता हूं इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर अब तुम्हें समझाता हूं बेटा मैं मतलब अगर अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आ गया तो बहुत अच्छी बात है वो नहीं आया पर अगर बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल मतलब सर पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट सीवरेज कनेक्शन हो गया चालू हो गया है लाइट कनेक्शन आ गया चालू हो गया है सर पानी का कनेक्शन हो गया है चालू हो गया है तो ऐसे केस में बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्युपेशन हो गया मतलब कोई किसी एक फ्लैट वाले ने किसी एक शॉप वाले ने ऑक्युपाई कर दिया उसका यूनिट तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि वो ट्रिगर पॉइंट हो गया है और उसके बाद अगर कोई फ्लैट सेल होगा तो सेल ऑफ रिमूबल प्रॉपर्टी में जाएगा सर इसलिए सर बोलते हैं क्या बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय दिन अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर इज द ट्रिगर पॉइंट क्लियर समझा मेरी बात माहौल तो सर अब मैं आपसे वापस बात करता हूं सप्लाई ऑफ सर्विस मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर क्लियर है सर आपको तो सर मैंने अगर अपने लिए टावर बनाया नाम क्या है मंगल टावर खुद ने खुद के लिए बनाया कोई सप्लायर सर्विस नहीं है पर इफ इट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पाटली इसमें वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा एक्सेप्ट वो फ्लैट जिसके लिए एंटायर कंसिडरेशन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर मतलब एक्सेप्ट थर्टी फ्लैट एक्सेप्ट थर्टी फ्लैट जिसका पूरा का पूरा कंसिडरेशन एक रुपया भी पहले नहीं आया पूरा का पूरा कंसिडरेशन <subjective दिखें> बाद में रिसीव हुआ सर्टिफिकेट और इट को छोड़ दो पूरा 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 स्कोपाई रिपीट सर मैंने अगर कोई बिल्डिंग आपके लिए बनाई है पूरी पूरी बिल्डिंग बना रहा हूं कॉम्प्लेक्स आपके लिए बना रहा हूं सिविल स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसका कोई पार्ट बना रहा हूं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही भलिया मुझे पैसा उसके बाद में दो या सर कंप्लीशन होने के पहले दो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वहां पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है अभी रुको कोमा को छोड़ो आप मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई कॉम्प्लेक्स बनाया सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया वो सप्लाई ऑफ सर्विस से बात खत्म पर सर सेकंड पार्ट मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट थर्टी फ्लेट्स एक्सेप्ट थर्टी फ्लेट्स मतलब सर पूरी बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगी एक्सेप्ट थर्टी फ्लेट मतलब

अब मैं आपको वो लीगल लैंग्वेज समझाता हूँ कोमा का मीनिंग क्या था बेटा कैसे मैं इसको इंटरप्रेट करके लाया हूँ देखो बच्चा ध्यान से यहाँ पर जब हम बैरक्ट पढ़ते थे तब यहाँ पर इंक्लूडिंग से पहले क्या है कोमा है अच्छा कोमा से पहले क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ मतलब मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई वो सप्लाई ऑफ सर्विस से बात खत्म अच्छा यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ब्ला, 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 ब्ला। वो यहाँ पे

सप्लाई ऑफ सर्विस से भले पैसा आए ना आए बाद में आए लेट आए जल्दी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर मेरे अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग सर वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगी

सर मेरा नंबर फाइव क्लोज नंबर सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर कॉपी राइट पेटर्न ट्रेडमार्क डिजाइन आर्टवर्क ये मेरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये इसका मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया या परमिटिंग द यूज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया तो ऐसे केस में सर जो आप मेरे को रॉयल्टी देने वाले वो क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है जो भी कंसिडरेशन आप मेरे को देने वाले वो क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा भाई जैसे मेरी बुक वैसे तो पब्लिश भी हम ही करते हैं पर मान लो पब्लिश कोई और है वो मेरे को रोयल्टी पे कर रहे तो रॉयल्टी रोल्टीज सप्लाई ऑफ सर्विस टेम्परिरी ट्रांसफर और परमनेट द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देन सर कुछ समझ में आ रहा है कि केवल चल रहा है जिंदगी चल रहा है आ रहा है ओके okay. सर सॉफ्टवेयर मैंने आपके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है डेवलप किया एनहांस किया अपग्रेड किया इंप्लीमेंट किया सर ये क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है अच्छा आपने रेडीमेड सॉफ्टवेयर परचेस किया जैसे टेली ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है रेडीमेड है ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है क्लियर मैंने आपके लिए सर यूजर स्पेसिफिक एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया या उसको अपग्रेड किया इंप्लीमेंट किया एनहांस किया सर ये सब क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा पैरा नंबर फाइव क्लोज नंबर डी ए कहता है ओके okay, नेक्स्ट ओ भाई ये नहीं करने का समझे ना मेरी बात हाँ भले मेरे से पांच लाख रुपए ले लेना पर ये नहीं करने का कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे अगला पॉइंट वही है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स एग्रिंग टू आप एग्री कर रहे हो एग्रिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरा कोरियर का बिजनेस है और सर मुझे पता है कि आप उस कुरियर बिजनेस के मास्टर माइंड हो और सर आप अगर मेरे एरिया में आगे काम करने तो मेरा बिजनेस चौपट कर दोगे मैंने आपको बोला प्लीज मेरे एरिया में काम मत करना मेरे एरिया में बिजनेस मत करना मैं आपको साल के दस लाख रुपए दूंगा आप बोला बस मजा आ गया जिंदगी में ऐसे लोग पैसा देते रहे और सर मैं काम नहीं करता रहू सर और क्या चाहिए जिंदगी में अब सर आपको कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे वो भी क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है नेक्स्ट सर ध्यान देना बेटा एक और एग्जाम्पल टू टॉलरेट एन एक्ट और अचुएशन सर राहुल गांधी की स्पीच सुनने के लिए आपको दो लाख रुपए मिलेंगे आपको दो घंटे उसकी स्पीच सुननी पड़ेगी सर यू आर टॉलरेटिंग एन एक्ट और अचुएशन सप्लाई ऑफ सर्विस चलिए चलिए एग्जाम्पल मजा कर रहा था मैं राहुल गांधी जी देश के बड़ी अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से सर अगला एग्जाम्पल मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर ने रेसिपेंट से और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखी कुछ कि अगर इन इन चीजों को ध्यान नहीं रखा तो हम आपसे पांच लाख रुपए फाइन चार्ज कर लेंगे या लिक्विडेटिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेट हो जाएगा और लिक्विडेड डैमेज आपको पे करनी पड़ेगी पांच लाख रुपए दस लाख रुपए जो भी देखा आपने वो भी किया सप्लाई ऑफ सर्विस ओके सर दोलरेटिंग एन एक्ट और टू टोलट एन एक्ट और लास्ट है ट्रांसफर कर दिया फाइनेंसलीज एक्सेट्रा सब सप्लाई ऑफ सर्विस है क्लियर ये नम, पेरा नंबर फाइव खत्म होता है अब इसके छह पॉइंट है सर आइए पेरा नंबर सिक्स हम बात कर लेते वहां पे दो सर्विसेज लिखी है दोनों में ही डिस्प्यूट था प्री जीएसटी रिजिम में सर्विस टैक्स और वेट के केस में दोनों को बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विस है फर्स्ट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस ये दोनों ही क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है देखो बेटा वक्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिल थाम के सुनिएगा पहले बात कर रहा हूं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने का रिपेयर मेंटेनेंस या किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें मटेरियल भी आपका लेबर भी आपका मतलब बिल्डिंग को बनाना भी आपको है और उसमें जो माल मटेरियल लग रहा है वो भी आपको लेके आना है तो इट्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट भले ही बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट हो ऑल्ट्रेशन का हो या सर मॉडिफिकेशन का हो या नई बिल्डिंग बनाने का हो या एडिशन का हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर इमोबल प्रॉपर्टी के लिए इमुबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमिशनिंग एटसेट्रा या रिपेयरिंग वगैरह का और सर उसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों आपका है तो ऐसे कैसे वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहलाएगा अब सर मैं थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा आपके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन नंबर टू क्लोज वन कवर होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर हाँ अब आपके दिमाग में एक बड़ा ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है मैं छोटा सा एग्जांपल्स आपको समझा दूंगा मान लो मिस्टर ए है मान लो मिस्टर ए चलो और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं यशवंत मंगल <laughs> अच्छा एक नहीं होना किसने किया सर सर मैं एक बिल्डर हूं सर मंगल टावर चलो मेरा वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर लेता हूं सर मंगल टावर याद है हंड्रेड फ्लैट्स बनाया सर मैंने अब मैं एक बिल्डर हूं सर मैं खुद तो बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं ना सर सर हमने क्या किया सर एक लैंड थी बेंड्रा के अंदर समझना बात के ध्यान से एक लैंड थी बेंडर के अंदर वो मैंने परचेज कर ली या मेरी लैंड थी सर समझ लो और उस पर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग बना के फ्लैट बेचूंगा मैं आलिया भट्ट को कैटेना ठीक है सर सर पॉइंट मेरा आपसे ये है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो बुक करूंगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा अब सर वो बिल्डिंग मैं खुद तो बनाने सर मैंने क्या किया उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर मिस्टर रोहित को रोहित यू माय यंगर ब्रदर ओके एनीवेज मिस्टर रोहित को सुने के बात को ध्यान से मिस्टर रोहित को मैंने उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने बोला रोहित को कि रोहित ये बिल्डिंग ये लैंड मेरी है सर सेवनटी फ्लैट की सॉरी हंड्रेड फ्लैट की बिल्डिंग बनेगी एसी बनेगी ये स्पेसिफिकेशन होंगे ये डिजाइन रहेगी सब कुछ बोल दिया ये क्वालिटी रहेगी पैसा बोल मैंने बोला लैंड मेरी माल मटेरियल लेबर सब तेरा पैसा बोल उसने बोला सो करोड़ मैंने कहा डन सर रोहित ने मेरे को कितना बोला बेटा रुपीज हंड्रेड करोड़ रुपीज हंड्रेड करोड़ मेरे से लेंगे रोहित किसके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड उनका है क्या नहीं सर मटेरियल उनका है यस लेबर उनकी है मतलब काम सब उनका करना है यस सर तो इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ही क्या बेटा ये जिसमें वो बिल्डिंग मेरे लिए बना रहे है? सर इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस समझेगा जान से इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विच प्रोवाइडिंग टू मिस्टर यशवंत अब रोहित भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं साहब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर सो सौ करोड़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेता बड़े बड़े इसने क्या किया इसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया किसको सर मिस्टर चिराग को मिस्टर चिराग को इन्होंने क्या कर दिया सर आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और मिस्टर चिराग को रोहित ने बोला ये बिल्डिंग बनानी है ये डिजाइन की होनी चाहिए ये स्पेसिफिकेशन है ये क्वालिटी होनी चाहिए पैसा बोल माल मटेरियल लेबर सब तेरा चिराग ने बोला नाइनटी सीआर रोहित ने बोला डन अब अगेन चिराग इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर रोहित फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या रिपेयरिंग रिनोवेशन कुछ भी मान लीजिए उसमें मटेरियल भी उसका है लेबर भी उसका है अगेन ये क्या है भाई दिस इज अगेन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ओके अब चिराग भी कम नहीं है सर इसने क्या किया बड़ा कॉन्ट्रैक्टर यह भी इसने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया अब दस छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए पेटी या स्मॉल अपॉइंट किए और किसी को कोई काम दे दिया किसी को कोई काम दे दिया किसी को कोई काम दे दिया उनको बोला तुमको, तुमको, तुमको ये बनाना है सर पैसा बोलो सर और हां उन्होंने बोल दिया जो भी मटेरियल लगेगा वो मैं खुद लाऊंगा तुम तो तुम्हारा बिल्डिंग बनाने का दिमाग लगाओ जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना मैं लेके आ जाऊंगा क्लियर चिराग ने क्या किया उस बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल लगने वाला है वो परचेज किया मिस्टर आशुतोष से जितना भी मटेरियल लगने वाला है वो किसने परचेज किया मिस्टर आशुतोष से किसने परचेज किया चिराग ने अच्छा तो आशुतोष इज जस्ट सप्लाइंग मटेरियल टू चिराग तो सर ऐसे केस में जो मटेरियल आशुतोष ने बेचा होगा वो था मान लो थर्टी करोड का तो थर्टी करोड़ क्या हो गया सेल ऑफ गुड्स उसमें कोई डाउट ही नहीं सब ये तो केवल गुड्स बेच रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स दैट्स इट क्लियर अब सर ये टेन पेटी कॉन्ट्रेक्टर को चिराग ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बोला प्योर लेबर का काम तुमको करना है ना ओनली प्योर लेबर तो बिल्डिंग बनाने में ध्यान लगाओ जो मेटर लगेगा मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए क्लियर तो ऐसे केस में नाउ नाव दोन पेटी कॉन्ट्रेक्टर आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस टू होम चिराग क्लियर तो मिस्टर टेन पेटी कॉन्ट्रेक्टर आर जस्ट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस कंस्ट्रक्शन सर्विस का पार्ट वन सुनिए ये पार्ट वन लिखते तो आपको ध्यान रहेगा उस, आ, उसकी उसकी वजह क्लोज बी पार्ट वन मतलब सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ देखो सर ये दस कॉन्ट्रेक्टर क्या कर रहे हैं सर एक बिल्डिंग का पार्ट बना रहे क्लियर या कोई कॉम्प्लेक्स का पार्ट बना रहे मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है अगर इसी काम में मटेरियल इन्वॉल्व होता तो क्या वर्क कॉन्ट्रेक्ट क्लियर तो सरकार यहां तक बात समझना ही समझ होगी अब सर सौ फ्लैट बन गए हैं दस स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस पेरा नंबर फाइव क्लोज बी का पार्ट वन वाली सर्विसेज दी चिराग को आशुतोष ने गुड्स बेचा है चिराग को चिराग ने रोहित को वक्त कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिए मटेरियल प्लस लेबर की रोहित ने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी मिस्टर मंगल यशवंत मंगल को एंड यशवंत मंगल ने क्या किया उन सेवेंटी फ्लैट में उन सो फ्लैट मान लो सो के सो फ्लैट बुक कर दिए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचे मान लो सो के सो फ्लैट बुक हो गए तो क्या है सर इज अगेन कंस्ट्रक्शन सर्विस कौन सा तेरा फाइव क्लोज बी उसका पार्ट टू टू आलिया बट एटसेट्रा एटसेट्रा का मतलब समझ रहे हो ना बेटा सर तो जो जिन लोगों को मैंने सौ फ्लैट बुक किए उनको मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूँ अच्छा अब आप बोलेंगे आलिया भट्ट के केस में भी तो फ्लैट में मटेरियल भी आपका था लेबर भी तो आपका था साहब तो सर ऐसे केस में लैंड आलिया भट्ट की नहीं थी सर वो जमीन मेरी थी जहां पे फ्लैट बन रहे थे सर आलिया भट्ट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं दिया उसने मेरे को नहीं बोला मंगल यहाँ बिल्डिंग बना मैंने कहा बिल्डिंग बन रही तेरे को बुक कराना तो करा नहीं तो निकल देखा एटीट्यूड सर ऐसा नहीं होना चाहिए ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये आलिया भट्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं दिया है कि मंगल ये मेरी लैंड है तो बिल्डिंग बना नहीं सर मेरे केस में यहाँ लैंड भी मेरी थी बिल्डिंग भी, में में बना रहा था। भी पार्ट टू क्लियर तो सर शायद अगर लैंड आलिया भट्ट की होती और मेरे को बोलती क्या? बना मंगल तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता मटेरियल प्लस लेबर है तो और उसमें अगर लेबर होता केवल मटेरियल नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन सर्विस पार्ट वन होता

ना? है ना कई सारे लोग क्या सोचते हैं सर मैगडी है मैगडी में तो सर हमको काउंटर से खुद को सेल्फ सर्विस है तो अंदर कुकिंग की सर्विस खुद तोड़े कर रहे हो कुकिंग इज अ बिग सर्विस बॉस तो सर ऐसे केस में इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस क्या होता है सप्लाई ऑफ सर्विस होता है भले इसमें गुड्स भी है सर्विस भी है गवर्नमेंट ने खुद ने शेड्यूल टू में बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विस ओके पैरा नंबर सेवन ये देखिए ये पैरा नंबर सेवन ऑफ शेड्यूल नंबर टू सरकार ओमिट हो गया पढ़ो सर ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं आपसे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय बायकॉर्पोरेट एओपी और बीओ आई बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफ पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा अगर गुड्स सप्लाई किया तो बेटा अरे क्लियर सर समझा आप मेरी बात भाइयों ग क्या कर दिया इसको ओमिट कर दिया क्यों ओमिट कर दिया क्योंकि सर ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया था तब से एज इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द टर्म सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 71 डबल ए क्लियर सिंस इसको 71 डबल ए वैसे ही इंसर्ट कर दिया झगड़े के चांस ही खत्म हो गए शेड्यूल 2 में तो वही ट्रांजैक्शन है ना जिसमें झगड़े थे बेटा यह डिस्प्यूट खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने और सर बोल दिया कि वो सप्लाई है दिमाग खराब मत करना तो शेड्यूल टू में डालने की जरूरत उसकी पड़ी नहीं अच्छा गुड सप्लाई क्या होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सर्विसेज सप्लाई करेगी तो सप्लाई ऑफ हो सर्विस होगा सर्कुलर के बारे में भी हमने बात कर ली थी अब इसका रिलेवेंस यहां पे नहीं था इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया ऑमिट कर दिया क्लियर डन सर इसी के साथ आपका शेड्यूल टू खत्म होता है अब ये थे पेराज नंबर सात पेराज शेड्यूल नंबर टू में जिसने क्लेरिफाई किया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है और वहां अगर डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा वहां गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है माहौल क्लियर डन समझे ये था आपका शेड्यूल नंबर टू ये था आपका पेर, ये था आपका सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन ए सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन ए अभी हमने बात करी शेड्यूल नंबर टू क्लियर आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन टू की सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन टू बोलता है भाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोट सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएंगे सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो देर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी ऑन दीज ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे क्या क्या कवर है उसका क्लोज नंबर ए बोलता है वो सारे ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल थ्री ऑफ दी सी जीएसटी एक्ट तो शेड्यूल थ्री ऑफ दी सी में जो भी ट्रांजेक्शन कवर है उन सबको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं माना जाएगा उनपे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर तो शेड्यूल थ्री में हम क्या पढ़ने वाले सब? किन किन पे जीएसटी नहीं लगने वाला है अच्छा आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई बेटा अरे क्लियर माहौल ओके तो सर आ, अच्छा ए एक सर्कुलर और था शेड्यूल टू के रिगार्डिंग वो मैं बताता हूं अगर कोई ये क्लब सोसाइटी ज्वाइंट वेंचर हो उसने अपने फीस उसकी बात तो हमने कर ली टेनेंसी प्रीमियम की भी बात कर ली अगर आपने अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है टेम्परे रेंट पे लिया है लीज पे लिया है, तो वो भी क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा बेटा है हाँ ना और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में कवर होते हुए उस पर जीएसटी लग जाएगा अच्छा ध्यान रखा शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री में पढ़ेंगे ब्रेक के बाद अगले सेशन में पढ़ते हैं बेटा ओके okay, तो शेड्यूल थ्री पढ़ने वाले ब्रेक के बाद ओके okay, तब तक आप एक काम करिए जो कॉपी करना था आपने को वो कॉपी कर लीजिए बेटा ये स्लाइड्स प्लीज प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड अच्छा मैं हट जाता हूं सामने से यहां से कॉपी कर लीजिए डन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कॉपी करो इसको बेटा ये सेल एग्रीमेंट सेल डीड ओके अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस को डिफरेंस को समझने के लिए डन चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच मिलते हैं ब्रेक के बाद बाय, पर यहाँ तक कंप्लीट करिएगा आपके एंड पर शिड्यूल थ्री हम शुरू करेंगे अगले सेशन में थैंक यू सो मच बाय